शादियों में फिजूल खर्ची रोकने एवं सजातीय बंधुओं की मदद करने हेतु अग्रवाल समाज द्वारा समय समय पर सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अक्षय तृतीया के पर्व पर आदर्श अग्रवाल सेवा समिति द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं अन्य राज्यों से आए हुए सजातीय बंधुओं का वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत घर में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री भी संस्था द्वारा कन्याओं को उपलब्ध कराई गई। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 9 जोड़े एक दूसरे के हुए। विधि विधान से वैदिक रीति रिवाज के बीच शादियां संपन्न कराई गईं। समारोह में संस्था के पदाधिकारियों के साथ साथ वर वधु पक्ष के लोग भी शामिल रहे। प्रत्येक जोड़ा को लगभग 2 लाख रुपए का सामान दहेज के रूप में संस्था के द्वारा दिया जा रहा है और भव्य कार्यक्रम हुआ है। हम आदर्श सेवा समिति की तरफ से सभी दानदाताओं का, सभी समाज के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में भरपूर्वक सहयोग करते हैं। 9 जोड़े आज शामिल हुए हैं, जिसमें राजस्थान से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं और उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, आसपास के जिलों से और हरियाणा से होटल से भी 1-2 जोड़ा आए हुए हैं। तो लगभग मथुरा के आसपास के सभी जिलों से और प्रदेशों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या उद्देश्य इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करने का? इस तरह के आयोजन का उद्देश्य है, एक तो जो खर्चा जो करते हैं लोग उस पर कंट्रोल किया जाए। जो भीड़ के साथ शादियां करते हैं, अननेसरी दुनिया भर के पकवान, दुनिया भर की स्टॉल्स लगाते हैं, उन पर रोक लगाई जाए। दहेज के रूप में जो सामान जो जरूरी होता है वो हम लोग उपलब्ध कराते हैं। एक दाम्पत्य जीवन को चलाने के लिए जो सामान की आवश्यकता होती है वो हम पूरा देने की पूरी कोशिश करते हैं। इसका हमारी समिति का यही उद्देश्य है कि इस तरह के कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोग जुड़ें, अपने बच्चों की शादी, लड़के लड़के की शादी इसी तरह के सामूहिक कार्यक्रमों में करें तो एक तो पैसे की बचत होगी, धन की बचत होगी और वेस्टेज भी कम होगी। यही हमारा जो है उद्देश्य है।